हमनगांव स्थित चैत्र महोत्सव के अंतिम दिन हमारे माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जागृति समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल के वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर पवार भैया पधारे और यहाँ के अनेक दृश्यों को उन्होंने गाड़ी खींचने वाले और भक्तों के दृश्यों को भी देखा है। और ताप्ती समिति माँ सूर्यपुत्री ताप्ती समिति जागृति मध्य प्रदेश और धर्म प्रचार प्रसार मंच के द्वारा माँ रेणुका मैया का ऐतिहासिक भजन एल्बम बनाया जा रहा है। तो मैं भैया को कहूँगा कि इस चैत्र महोत्सव और इस भजन एल्बम के ऊपर दो शब्द अपनी हमारी प्रतिक्रिया रखें। भारतीय सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही परंपराओं के बीच में चैत्र मास का एक विशेष महत्व होता है। चैत्र मास से हिंदू धर्म का एक नया वर्ष चालू होता है और चैत्र मास में देवी की पूजा सदियों से चली आ रही है। हमारे देश में तरह तरह के देवी देवता है, उनमें उनकी संख्या 33 कोटि मानी गई है, जो 33 प्रकार के देवी देवता है। हमने हर प्रकार के देवी देवताओं का प्रसाद दिया, ग्राम देव, कुल देव, पितृदेव, ऐसे हमारे 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 प्रकार के देवताओं में जो ग्राम देव होता है हनुमान जी, और ग्राम की देवी होती है माँ जो जगदम्बा भवानी रहती, जिसे खेड़ापति माता कहते हैं, कुछ लोग माता मैया कहते हैं, कुछ लोग भवानी मैया कहते हैं। और माता मैया जो खेड़ापति माता मैया है, और भवानी माँ है, और बिजासनी माई है, इनके पास भक्त लोग साल भर मन्नत मांगते हैं। जिस भक्त की मन्नत पूरी होती है वो अपनी मन्नत के हिसाब से फिर अपनी मन्नत की पूर्ति करता है। और मन्नत पूर्ति का सबसे अच्छा पवित्र महीना होता है चैत्र मास। चैत्र मास के प्रथम पखवाड़े में लोग अपने कमर के बाजू में नाड़ा सुई से फिरवाते हैं और नाड़ा बांध के लोग नाड़ा से लेके दौड़ते हैं, जो जिसकी मन्नत पूरी होते हैं। जितने लोग मन्नतें पूरी होती उसके सारे लोग अपने कमर में से दोनों से नाड़ा निकाल के उस नाड़े को खींचते हुए लोग चलते हैं, उसको नाड़ा प्रतियोगिता बोलते हैं मन्नत। और दूसरी होती गाड़ा। गाड़ा में क्या होती है, कुछ लोग कहते हैं माता हमें संतान मिल जाए तो मैं आपके नाम के गाड़ा खिंचाऊंगी। तो उस समय पुराने समय में एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति जिसकी मुराद पूरी होती थी, वो अपना गाड़ा लेके चलता था, उसके पीछे दूसरा व्यक्ति रहता था, वो अपना गाड़ा लेके चलता था। ऐसे एक गाड़े के पीछे दूसरा गाड़ा, दूसरे गाड़े के पीछे तीसरा गाड़ा, और फिर लगातार गाड़े बढ़ते चले जाते थे और हर व्यक्ति अपनी मन्नत के हिसाब से अपना गाड़ा खींचता था। गाड़ा और नाड़ा दोनों प्राचीन सभ्यता है कि बैतूल जिला आदिवासी जिला है, द्रविड़ सभ्यता से जुड़ा जिला है, आदिवासियों ने जिला गोंडवाना संस्कृति जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के अधिकांश जो पर्व जो है वो आदिवासी लोक संस्कृति जुड़े हुए हैं, और आदिवासी लोक संस्कृति जुड़े होने के कारण यहाँ का पूरा काम जो होता है वो भगत के द्वारा होता है। भगत और भूमिका दो प्रधान होते हैं पूजा करने के लिए। नाड़ा में भी भगत की भूमिका रहती है और गाड़ा में भी भगत की भूमिका रहती है। भगत के ही पूरे मार्गदर्शन में नाड़ा और गाड़ा प्रतियोगिता होती है, और ये प्रतियोगिता नहीं, एक प्रकार की आस्था है और आस्था का समर्पण है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कहना चाहिए कि जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं माँ रेणुका के नाम पर जो वीडियो एल्बम बना रहे हैं, भाई रविंद्र मानकर के सहयोग से हम लोगों ने माँ ताप्ती का एक वीडियो एल्बम बनाया, जिसमें शहनाज अख्तर देश की मानी हुई भजन गायिका है, इन्हें माँ ताप्ती के 6 भजन गाए। इसके पहले रेणुका माई अपना अम्बा माई के माई का ढंका बाजी वो एल्बम तैयार हुआ, और ये बहुत अच्छी खुशी है। हर आदमी को हर गांव से एक रविंद्र या एक नीलेश ऐसा व्यक्ति तैयार होगा तो हर गांव की माता मैया को या गांव के जो ग्राम देवता उनका एक एल्बम, उनकी प्रसिद्धि, उनकी ये पूरे जिले भर में पहुँचेगी। मैंने पूरे बैतूल जिले का एक फोल्डर तैयार कर रखा है कि बैतूल जिले में कहाँ कौन कौन से स्थान है और उनके पीछे कौन कौन सी मान्यता है, उनके क्या क्या महत्व है। उसमें रेणुका माई का भी जिक्र है, रेणुका माई छावल और रेणुका माई दामन गांव। माता जी के जो ऊपरी हिस्सा जो था गर्दन का हिस्सा जब कीड़ा था, तो वो ऐसी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है कि जब परशुराम ने अपने पिता का आदेश का पालन किया तो जो झटके से जो माता जी गर्दन गिरा है वो असल में 3-4 जगह अलग अलग जगह भी गिरा हुआ है। किस जगह माता जी का गर्दन गिरी, किस जगह माता जी का गर्दन का मांस का वो गिरा, कि जब खून गिरा है, ऐसे जहाँ जहाँ जो जो स्थान गए वो स्थान प्रसिद्ध हुए, शक्तिपीठ हुए, कुछ थोड़े से ज़्यादा जागृत हुए वो बड़े पीठ हुए, जागृत पीठ हुए। ऐसे माने माँ रेणुका धाम जो है छावल और माँ रेणुका धाम दामन गांव, दोनों की प्रसिद्धि अगर यूट्यूब के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से अगर जन जन तक पहुंचती है तो गांव के बारे में लोगों को जागृति मिलेगी, और ये आपका गांव का गाड़ा उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से लोग आएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि गुजरात आइए,
हमारे पास गुजरात में ये है, हमारे पास हम भी कह सकते हैं हमारे बैतूल में बहुत कुछ है। एक बार बैतूल भी आइए, बैतूल में आपको कहाँ क्या क्या मिलेगा उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है आपका गाँव, और ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं अपनी शुभकामना देता हूँ समिति की ओर से और हमारे समिति के पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से। हम लोग हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को माँ ताप्ती का जन्मोत्सव मनाते हैं, लगातार बारहलिंग में ताप्ती की जन्मोत्सव मनाता है। हम आप लोगों से एक निवेदन करने आए हैं कि आप साल में एक दिन पता करो माँ रेणुका का जन्मदिन किस दिन है, उस दिन आप लोग भी आपके गाँव में माँ रेणुका जन्मोत्सव की शुरुआत करो। एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, देश में पहला गाँव होगा जो रेणुका जन्मोत्सव मनाएगा, और रेणुका जन्मोत्सव मनाना भी चाहिए। जो माँ आपको सबको सुख और समृद्धि देती है, उस माँ को देने का समर्पण अपनी भक्ति और श्रद्धा दिखाने का इससे बढ़िया अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार फिर ताप्ती अंचल और पूर्णांचल में बसे सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरी समिति, मेरे परिवार और मेरे मित्र मंडलों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी। एक फोटो वोटो खींच लो सब लोग मिलेगा। रेणुका माता की जय। बोलो रेणुका माता की जय। वीडियो ले लेना फोटो। आ जाओ फोटो इससे आ जाओ, नहीं वीडियो ले लो पूरा। रविंद्र भाई आओ, वीडियो बनाना। रविंद्र भाई आओ, मैं भी आ रहा हूं। आपको सर मार हाल के पूरा दे दे, डेट ले रहा है पूरा टीवी में अपने आप। बोलो रेणुका मैया की जय। रेणुका मैया की जय। ताप्ती मैया की जय। ताप्ती मैया की जय। पूर्णा मैया की जय। आवे पूरे मैं निकल रहा हूँ, और मेरा लाइफ कुछ कम हो तो बता दें, ठीक है? क्यों नहीं ले मेरा कुछ और होगा तो बता दें। हाँ भैया, राज भाई का ये आ जाओ बाबा जी, आप भी आ जाओ इधर आ जाइए। आगे एक फोटो खींच लीजिए, मेरी तो आ गई ना, खींच ही ले खींच लीजिए। रेणु का मैया पे एल्बम बन रहा है, आप सहयोग करना है। सामने तो हो सकता है, सामने तो अरे हो जी, बस वही इतना सादा सा काम है। वैसे भी वीडियो ले लेना, मेरे पास रखे। हाँ हाँ, ठीक है, दोनों को मिक्स कर लेना, ठीक है। मेरा मोबाइल। रविंद्र भाई।